हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे भी एजुकेटर, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे कोर्सेज देख सकते हैं और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में सबसे पहले, तो यहाँ पे गाइज हमने बात कर लिया था कल कूलाम के नियम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कूलाम नियम का सदिश निरूपण कैसे होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि सदिश निरूपण क्या होता है, कैसे करना है, बाकी आपको थ्योरेटिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना है। देखिए, कूलाम नियम में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि आवेश होता है, दो आवेश होते हैं, उनके बीच में आपका या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा। अगर उन्हें एक माध्यम में हम रख रहे हैं तो बस उनके बारे में हमने डिटेल दी कि एक आवेश से दूसरे आवेश पे, यानी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कूलाम नियम में पढ़ा था कि आपका क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे जो क्यू वन क्यू टू है, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, एक दूसरे को दूर करेंगे, हटाएंगे। अगर ये क्यू वन क्यू टू का लेस देन जीरो है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आपके पास में दो आवेश हैं, दो चार्ज हैं, क्यू वन और क्यू टू, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास में आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये आवेश जो है इसके ऊपर कुछ बल लगाएगा और ये जो आवेश है ये इसके ऊपर कुछ बल लगाएगा, या मान सकते हैं कि जैसे इसके पास में कोई और आवेश है तो ये इस पे भी बल लगाएगा, तो ये इस पे भी बल लगाए इस प्रकार से। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो अब देखो यहाँ पे जो ये आवेश है क्यू वन, जो क्यू टू पे बल लगाएगा उसको हम डिनोट करेंगे आर कैप वन टू। एक जो है दूसरे पे लगा रहा है, एक दूसरे पे, तो वन टू हो जाएगा। अगर ये जो आवेश है टू, ये टू क्या करेगा, वन पे कुछ चार्ज आवेश यहाँ पे प्रतिकर्षण या आकर्षण इस पे कुल बल लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू पे वन, तो ये आर कैप आप समझ में आ गया होगा कि जो दूसरा क्या कर रहा है, पहले पे लगा रहा है, और आर कैप का मतलब है वन टू, वन टू का मतलब जो पहला दूसरे पे लगा रहा है। तो इसी प्रकार बल क्या हो जाएगा, वन टू, ये बल इसका इस तरफ लगेगा जो परिणामी अधिक होगा, जैसे क्यू वन अधिक है तो इस तरफ लगेगा और क्यू टू अधिक है तो इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये एफ वन टू का मतलब क्या हो जाएगा कि एक के द्वारा दूसरे पे लगाया गया बल। ठीक है, उसी प्रकार टू वन का मतलब दूसरे के द्वारा पहले पे लगाया गया बल। बस इतना आपको समझ लेना है। तो कूलाम का सदिश नियम में आपको यहाँ पे इतना समझ लेना है कि एक दूसरे पे हम बल लगा रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे। ओके, सो एफ वन टू आवेश क्यू वन, आवेश क्यू टू के द्वारा आवेश क्यू वन पर लगाया गया बल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, उसी प्रकार ये आर वन टू का मतलब आवेश क्यू वन से आवेश क्यू टू की ओर एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश का मतलब एक सीमान, यहाँ पे मान सकते हैं कि एकांक बिंदु पे, पॉइंट पे आपका जो आवेश है वहाँ पे अगर हम निकालें उसके ऊपर, तो ये आपका एकांक सदिश आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू दोनों आवेश हैं और ये दोनों एकांक सदिश हैं, तो वन का टू पे, ये क्यू टू का क्यू वन की ओर एकांक सदिश। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। बस ये टू वन का मतलब पहले स्टार्ट करो कि दूसरा पहले पे लगा रहा है, पहला दूसरे पे। अब इसको सदिश रूप में लिखेंगे कैसे, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए एफ वन टू, सबसे पहले हम निकालेंगे कि पहले के द्वारा दूसरे पे लगाया गया जो बल है वो क्या होगा। अब आपको पता है कि कूलाम नियम में क्या होता है कि एफ क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ वन टू हमने लगा दिया तो आवेश क्या हो जाएगा, वन और टू। के को हमको पता है कि, अब मैंने बताया था, वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन या ई जीरो हम इसे लिख सकते हैं, और इसका मान भी बताया था कि 9 × 10⁻⁹, ये आपको बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये आपका आर स्क्वायर हो गया, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये कैप आप क्यों लगा रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है कि दो के द्वारा एक पे लगाया गया बल। ठीक है, यानी कि ये किसके अनुदिश है, किस ओर इसका परिणामी बल लगेगा। तो ठीक है, जो यहाँ पे टू है इसकी ओर है इसका परिणामी बल जा रहा है, तो ये इसको डिनोट कर रहा है। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार क्या होगा कि पहला दूसरे पे लगा रहा है तो दूसरा पहले पे भी कुछ लगाएगा, तो सेम इसे डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले के द्वारा दूसरे पे लगाएगा बल। ठीक है, या दूसरे का पहले की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही सेम फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये आपको डिनोट करना है, सदिश रूप में आप बता रहे कि कौन सा किस पे बल लगा रहा है, बस इसको डिनोट करने का यही मतलब है। बाकी ये आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसको कैसे डिनोट करने, तो इसके अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें फैक्टर हैं, क्योंकि ये तो सेम है। तो ये दोनों में हम क्या रिलेशन देखते हैं कि जो वन टू है ये इसका एक दूसरे का विपरीत होता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी आप इसे समझ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी पालन करता है, क्योंकि ये इनके द्वारा आवेशों के द्वारा एक दूसरे पे जो बल लगाते हैं वो क्या होता है, समान लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। तो ये साइन चिन्ह आपका हो गया। ओके,
उसके बाद में बस आपको कुछ नहीं देखना है कि यही हो गया है जो इससे स्पष्ट यही हो रहा है कि आपका क्या हो जाएगा कि समीकरण से स्पष्ट है कि आवेश Q1 Q2 पर लगाया गया जो बल है आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाए गए बल परिणाम में समान लेकिन दिशा में विपरीत होगा। ठीक है, सदिश का मतलब जो दिशा डायरेक्शन आप उसे बता रहे हो कि किस दिशा में बल लग रहा है, पहले से दूसरे की ओर या दूसरे से पहले की ओर, तो बस यही हो गया। तो इसको आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ इतना लगाना है कि सदिश में अगर निरूपित कर रहे हैं तो हम उसे सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं कि किस दिशा में बल लग रहा है, पहले आवेश से दूसरे आवेश से, दूसरे आवेश से पहले आवेश। ठीक है, बस इतना जान लेना है इस नियम में, और कुछ नहीं देखना है आपको। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट है इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सतत आवेश वितरण, सतत मतलब कंटिन्यूअसली, आवेश मतलब चार्ज, और वितरण का मतलब यहाँ पे आपको बांटना है, डिवाइड करना है। तो किस रूप में आप बांट रहे हो आवेश को, जैसे कोई भी आपके पास में, ये आपके पास में कोई पृष्ठ है, इस पे आपको यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में कुछ आवेश है, करंट आपने इसमें फ्लो किया, कुछ चार्ज आपने इसको दिया, तो वो कैसे वितरित होगा इस पे, मतलब ऐसे नहीं है कि हो सकता है सारा चार्ज यहीं पे आ जाए, यहाँ पे कुछ ना आए, तो इसका कैसे वितरित होगा, बस यही आपको हमें बताना है कि कैसे इसको डिवाइड होगा, कैसे इसकी सरफेस पे ये फैल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है कि ऐसा वितरण जिसमें आवेश आसपास पास पास हो, सॉरी आवेश क्या हो, पास पास, सतत हो मतलब एकदम कंटिन्यूअसली हो, कोई गैप ना हो, यानी कि एकदम सटे हुए हो, ठीक है, एकदम नज़दीक हो, या वितरित हो तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, एकदम पास पास हो यानी कि कोई भी स्पेस बीच में ना हो, बिल्कुल भी कम, नगण्य मान सकते एक तरह से, तो वो क्या होगा, एकदम सतत आवेश वितरण होगा। तो आपको एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, और उसके बाद में आपको तीन चार स्टेटमेंट दे देगा कि उनके बीच में कोई भी गैप ना हो या एक दूसरे से सटे हुए हो, ऐसा कुछ भी बना सकता है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। थोड़ी सी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, तो थ्योरी इसमें कंप्लीट आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आप देखिए। उसके बाद देखिए रेखीय आवेश वितरण, और तीन प्रकार का होता है ये, रेखीय आवेश और पृष्ठीय आवेश और आयतन आवेश। अब देखिए रेखीय आवेश मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, ये आपका रेखा है, अगर हमने इसको कुछ चार्ज दिया तो ये कैसे इस पर वितरित होगा, कैसे डिवाइड होगा, इस पर कैसे फैलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा रेखीय आवेश, रेखीय आवेश का मतलब एक रेखा पे आवेश कैसे वितरित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में रेखीय वितरण का प्रयोग आने वाले पथ पे रेखीय आवेश का घनत्व कहलाता है। ठीक है, रेखीय आवेश का घनत्व यानी कि डेंसिटी, यानी कि आवेश कितना पास पास आ रहा है, जितना ज़्यादा पास में आएगा उतना क्या होगा, अधिक डेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए एक जो आपने ये मान लीजिए कोई भी आपके पास में ये तार है, इसको आपने आवेश दिया कुछ भी, तो ये आवेश इस पर किस प्रकार से फैलेगा, जैसे ये आवेश आपने इस प्रकार से फैल गया, इस पर आके समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, तो ये इसका जो जितना ज़्यादा पास होगा इसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसको घनत्व को ही निकालना है आपको कि कितना पास पास आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, आवेश बटा लंबाई, आवेश आपने इसके कितना दिया और इसकी लंबाई कितनी है, तार की लंबाई, या कोई भी आपने एक स्ट्रेट आवेश लिया, आपने स्ट्रेट वस्तु ली, सीधी सी रेखा ली, कोई भी चालक वस्तु होनी चाहिए क्योंकि आवेश उसी पे होगा। उसके बाद देखिए आपका इसका आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मीटर, तो ये आपके पास में कूलाम अपॉन मीटर, सी अपॉन एम से भी इसे डोनेट करते हैं। अब कूलाम बल का मान रेखीय आवेश घनत्व के पदों में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है उतना। इसके लिए आप, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका फॉर्मूला है, इसमें जो आवेश है प्लस प्लस आप देख रहे हैं, ये सारा इस पर समान रूप से वितरित हो गया। आप एक दो प्लस आवेश हैं, इनके बीच में आपका जो डिफरेंस है ये इसे रिलेट करके इसको आवेश को सोल्व किया गया है। जैसे चैप्टर खत्म होगा इसका PDF आपको मिलेगा, तो आप उसमें चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बाकी इससे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में ये आप देख सकते हैं कि इसका जो परिणामी बल होगा, जो यहाँ पे आपका जो बल होगा ये कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4π ε0 r2। बाकी आप इसे छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल भी। ठीक है, न्यूमेरिकल जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो आपको करवा दूंगा। देखिए पृष्ठ आवेश वितरण है, यहाँ पे पृष्ठ आवेश वितरण, अभी आपने रेखीय आवेश वितरण बनाया मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन पे, अब पृष्ठ आवेश वितरण क्या होगा कि एक पृष्ठ पे, जैसे ये हो गया एक पृष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पे अगर आवेश यानी कि एक क्षेत्रफल पे आवेश वितरण हो तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, इस क्षेत्रफल पे इसका क्या मान है, ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निकाल सकते हैं सीधा से, बस आपको ये स्टेटमेंट याद रहना है कि पृष्ठ आवेश घनत्व मतलब पृष्ठ पे आवेश का वितरण, और रेखीय आवेश घनत्व मतलब रेखा पे एक स्ट्रेट लाइन पे तार पे इस पे आवेश का वितरण कहलाता है। और अगर आप जैसे उसमें पृष्ठ आवेश घनत्व को हम कैसे निकालेंगे, आवेश बटा क्षेत्र, और उसमें क्या था, आवेश बटा लंबाई, क्योंकि तार जो है आपका स्ट्रेट है उसकी लंबाई होगा और इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो बस यही आपको याद करना है। और जो आपका सिग्मा के पदों में से बल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से लिखना है, इसको इतना ध्यान ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मैं अगर बात करूँ आयतन आवेश घनत्व, जैसे अभी तीन टाइप के आवेश घनत्व मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि यदि आवेश वितरण एक समान आयतन पे हो, यानी कि आप देखिए आपके पास में 3D में आए, मतलब ये तो सरफेस घनत्व हो गया था, उसके बाद में अगर मान लीजिए ऐसी कोई वस्तु हो आपको और उसको आपको आवेश देना हो,
तो इस पे आवेश किस प्रकार से वितरित होगा, हो सकता है आवेश यहीं पे जमा हो जाए इस स्टेट पे, या इस पे भी जाएगा, या सभी पे समान रूप से फैलेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम इसका आवेश घनत्व का यूज करते हैं। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा कि एक आवेश वितरण एक समान आयतन में हो तो आवेश आयतन का आवेश वितरण आयतन कहलाता है। ठीक है, तो इस वितरण में उपयोग आने वाले पद आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आयतन आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे, आवेश बटा आयतन। अब देखिए आवेश तो आपको ऊपर रखना है और बाकी पृष्ठ आवेश, जैसे आपको क्षेत्र वाला निकालना है क्षेत्र लिख दीजिए, लंबाई वाला तो आपका रेख है तो लंबाई यहाँ पे लिख दीजिए, बस कुछ नहीं। और आपको इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए कि सी अपोन, वहाँ पे सबसे पहले में मीटर था क्योंकि वो लंबाई थी तो लंबाई को मीटर में मानते हैं, उसके बाद में मीटर स्क्वायर था क्योंकि क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर होता है, आयतन होता है तो एम क्यूब आपका हो जाएगा, यानी कि मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है, और यह आपका कूलाम बल का मान है, अगर आपको निकालना हो तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला है, ये भी आप इसे देख सकते हैं, बाकी आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे, तो यहाँ पे कुछ साइन कोस टेन के मान यहाँ पे हैं, तो ये आई होप मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को याद होंगे, नहीं हो तो आप इसे देख के आसान से थोड़ी देर पॉज कीजिए वीडियो और आसान से रोक लीजिए और देख लीजिए इसे, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। और थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि जैसे आप यहाँ पे कि कोण कैसे बदलता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसमें साइन पॉजिटिव है, कोण कोस पॉजिटिव है, कोस साइन में बदलता है, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको इतना चीज़ें आएंगी, तो इसमें मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में बेसिक स्टार्ट किया जाता है तो बच्चों को बताया जाता है ये सब चीज़ें, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो ठीक है आप देख लीजिए इस आराम से, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अब हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है ये भी हमसे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश के रखने पर वह आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करता है। देखिए समझिएगा, आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, एरिया है, इसमें यहाँ पे पहले से एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे कोई आवेश उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम कोई एक आवेश लेके आते हैं, उसको हम इस फील्ड में लेके आते हैं। ठीक है, तो उसके क्या होगा कि ये जो आवेश इसमें फील्ड में आएगा तो ये दूसरे आवेश यहाँ पे अवस्थित उपस्थित हैं पहले से, इनसे या तो अट्रैक्ट होगा या डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को जो अनुभव करता है वही क्या होता है विद्युत क्षेत्र आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए विद्युत क्षेत्र में रखे गए प्रेक्षण आवेश, प्रेक्षण आवेश मतलब आपको एक प्रैक्टिकल करना है, उसके लिए मान लेते हैं कि Q0 आवेश आपके पास में है, उसे आपको विद्युत क्षेत्र में ले जाना है। ठीक है, तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल है, तो आप उसे जैसे विद्युत क्षेत्र में लेके जाओगे तो उस पर कुछ बल लगेगा, मैंने अभी आपको बताया कि या तो अट्रैक्शन होगा या डिसअट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो या आप इसे लेके जाएंगे तो इस पर कुछ बल लगेगा, मान लेते हैं वो बल क्या है Fe है, तो इस प्रेक्षण आवेश के अनुपात को क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, जो आवेश है और प्रेक्षण आवेश का जो बल है इसके अनुपात को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करेंगे और इसका मान हो जाएगा बल बटा आवेश। ठीक है, एफ यहाँ पे बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी होगा आपका उसे डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में हमने डिनोट कर दिया है ई वेक्टर, और ये हो जाएगा, और आवेश की कोई दिशा नहीं होती क्योंकि आवेश सभी दिशाओं में गति करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा Q0 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसे डिनोट कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इसमें आपको कुछ वैल्यू देख के आपको मान पूछ सकता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा में होती है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके कोई दो आवेश हैं और ये आपका इलेक्ट्रॉन आवेश मान लीजिए नेगेटिव आवेश है और एक प्रोटोन है, इस पे पॉजिटिव आवेश है, तो इसमें मान लेते हैं कि प्रोटॉन पे ज़्यादा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज है, वैसे तो समान चार्ज होता है लेकिन आवेश विपरीत होता है, लेकिन हम मान लेते हैं एक सपोज दैट कि एस पे ज़्यादा है और इस पे कम है, तो ये होगा कि इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में बनेगा, या जिसकी ओर ज़्यादा होगा उसकी तरफ होगा, तो ये दोनों क्या है विपरीत प्रकृति के हैं, तो एक दूसरे में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने के बाद में इसका मान ज़्यादा है प्रोटोन का, तो ये इसको तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो दोनों आवेशों को जो मिलाएंगे तो रिजल्टेंट बनेगा, तो अनुदिश बल की दिशा के अनुदिश बनेगा, जिधर उसे बल अनुभव होगा उसी दिशा में वो रिजल्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, तो ये देखिए न्यूटन अपॉन कूलाम इसको वोल्ट अपॉन मीटर में कैसे बदला, तो देखिए न्यूटन अपॉन कूलाम होता है, मान लीजिए आप इसे मीटर से दोनों ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे
कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये खत्म भी हो सकता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब आपका न्यूटन है, न्यूटन बटा मीटर क्या होता है, जूल होता है, तो इसे जूल लिख देते हैं, और जो कूलाम है इसे सी ऐसे कैसे रख लेते हैं। उसके बाद है वन अपॉन मीटर, तो वन अपॉन मीटर को तो हम नीचे क्या बोल देंगे, दूरी। और जो आपका यहाँ पे दिया गया है, क्या बच रहा है आपके पास में, एम जे, ये क्या हो गया आपका, विभव होता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभव। तो विभव बटा दूरी, या विभव को हम वोल्ट भी बोलते हैं और दूरी को मीटर में बांधते हैं, तो वोल्ट अपॉन मीटर आप इस प्रकार से इसे बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्रोत आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्पन्न करता है वो आपका क्या हो जाएगा, सोर्स है, एक स्रोत है जिससे आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो स्रोत आवेश कहलाता है। और वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव का परीक्षण करता है, परीक्षण आवेश कहता है। मान लीजिए आपके पास में कोई आईएस स्रोत आवेश है, जिसमें मान लीजिए इसमें बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब परीक्षण के लिए हमने क्या किया कि कोई दूसरा आवेश लेके आए, इसका परीक्षण करने के लिए हम इसके पास में ले गए, तो ये आवेश कैसा हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। इसको हम प्रैक्टिकल के लिए लेके जा रहे हैं कि इसके पास में इसका क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है, तो ये आपका परीक्षण आवेश हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि समीकरण एक और समीकरण दो में जो आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ वेक्टर अपॉन क्यू। ठीक है, अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा था कि तीव्रता क्या होती है कि बल बटा आवेश, एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो एक परिमित राशि है इसलिए इसका सूत्र इस प्रकार से बनेगा, एक लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब बल बहुत ज़्यादा मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत होगा। इसको मान को हम ज्ञात कर सकते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा। ये आपका ई वेक्टर क्या हो जाएगा कि लिमिट क्यू जीरो टेंस टू जीरो, जीरो नहीं होगा लेकिन टेंस टू जीरो, लगभग जीरो मान सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगी कि एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, तो इसका मान इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें लिमिट आपको लगा दिया है। तो ये आपके पास में जो क्यू जीरो है, ये आपका परीक्षण मान आप जिसे बता रहे हैं। ठीक है, उपेक्षणीय बोलते हैं इसे। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे एक ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं कि ये क्यू जीरो है आपका, इसको आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। आप जीरो करोगे तब तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसने एक कूलाम बल लगा दिया, आपने एक कूलाम आवेश आप इस पे कर दिए हो, ठीक है, तो ये क्यू जीरो की मान हम मान लेते हैं वन हो गई। जब इसकी मान वन हो जाएगी तो जो इंटेंसिटी है वो किसके बराबर, फोर्स के बराबर, बल के बराबर हो जाएगी। तो यही इसमें बता रहा है कि जब एक कूलाम बल लगता है तो ये क्या होता है कि ई इक्वल टू एफ हो जाता है, एक कूलाम आवेश होता था, सॉरी। ठीक है, तो ये हमने जान लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंटम की। तो ये क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए, विद्युत द्विध्रुव सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि दो आवेश परिणाम में समान, ठीक है, दो आवेश परिणाम में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर। मान लीजिए ये आपके पास में माइनस क्यू या प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, एक दूसरे से अल्प दूरी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया है लेकिन आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल एकदम पास पास में है, अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या होगा कि इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, यानी कि ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को पास पास में बिल्कुल अल्प दूरी पर रखें तो ये हो जाएगा आपके पास में। मान लीजिए आपके पास में ये टू ए दूरी है इनके बीच में, तो ये क्या बन गया, ये युग्म बना है ना, ये दोनों मिलके बनाएंगे विद्युत ध्रुव, अकेला नहीं बन सकता तो ध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव से ही आप समझ सकते हैं जिसके दो ध्रुव हों और दोनों की क्या प्रकृति क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे से अलग अलग हो और अल्प दूरी पे हो, ज़्यादा दूरी पे भी ना हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो विद्युत द्विध्रुव हो गया आपके पास में। और द्विध्रुव आघूर्ण आपका किस प्रकार से बनेगा कि किसी एक आवेश का परिणाम दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल की द्विध्रुव आघूर्णता कहलाता है। ठीक है, इनके आवेश का परिणाम हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि दोनों का समान हो, लेकिन वहाँ पे बात कर रहे थे कि समान, लेकिन अब क्या हो कि अगर दोनों की विपरीत प्रकृति है और इनका आवेश का मान अलग अलग हो जाए, ठीक है, अल्प दूरी के गुणनफल की द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अल्प दूरी है, यानी कि मान लीजिए टू डी जो भी यहाँ पे दे रखा है, तो जो दूरी है इसके गुणनफल को, आवेश का गुणनफल और इस दूरी का गुणनफल, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंटम जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, यानी कि जो मोमेंटम होगा किस तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये आपके पास में इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, क्यू टू डी या टू ए भी मान सकते हैं, जो भी आप मान सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है जो चेंज हो जाएगा जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे पी वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू डी, और यहाँ पे ये वैक्टर क्या बता रहा है कि इसकी दिशा को बता रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और ये आपके पास में इसका हो जाएगा यूनिट, सेंटर इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द्विध्रुव कैसे बनेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम से पढ़िए, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका एच सी एल होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो एच सी एल क्या होता है कि एच पॉजिटिव होता है, सी एल नेगेटिव होता है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, एकदम पास में रख सकते हैं, तो इसका जो एच है इसमें पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर डिनोट करेंगे। और एच टू है, इसमें एच पॉजिटिव है, दो एच पॉजिटिव होंगे और एक ओ नेगेटिव होगा,
तो माइनस के प्लस की ओर इस प्रकार से इसे डिनोट करेंगे दोनों को, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया, इसे द्वितीय रूप से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड कि सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव तथा बल आघूर्ण का मान क्या होगा, ठीक है। अभी तो हमने उसकी लैंग्वेज पढ़ी, लेकिन अब इसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो यहाँ पे आपको एरो दिख रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया गया है डायग्राम में, और उसके पास यहाँ पे देखिए एक माइनस क्यू आवेश है, एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। इन दो आवेशों को यहाँ पे हमने एक इसमें समान विद्युत क्षेत्र में स्थित कर दिया है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि एकदम पास पास होंगे, तो यहाँ पे डायग्राम में दिखाने के लिए थोड़ा सा दूरी पे बनाया गया है, और ये एकदम पास पास यहाँ पे इसे बना दिया, तो विद्युत द्विध्रुव एक तरह से बन गया। तो इससे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे बन गया, उसके बाद मान सकते हैं इस पास का से एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ये थीटा कोण हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक बात है कि अगर आप इसे समांतर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, और दोनों के बीच की दूरी हमें 2a मान लिया, क्योंकि विद्युत जो बल आघूर्ण था आप यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से देखा था कि 2a दूरी थी या 2d मान सकते हैं। और यहाँ पे ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण वो क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा क्यू ई, ठीक है, ई वैक्टर, और ये हो जाएगा माइनस आवेश के कारण माइनस क्यू ई, तो ये बल हो गया। तो अब यहाँ पे देखें विद्युत द्विध्रुव जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, पी इज इक्वल टू क्यू टू ए, ठीक है। उसके बाद में बल जो होगा आपका प्लस क्यू आवेश के कारण वो हो जाएगा क्यू ई, यार दिशा किस तरफ होगी, ई की तरफ। उसी प्रकार माइनस आवेश के कारण बल क्या होगा, माइनस क्यू ई, और इसके विपरीत दिशा में होगा एकदम, ठीक है। इसका इस परिणाम इधर है और इसका परिणाम एक तरफ से इधर मान सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे मान सकते हैं इसका इधर है इसका इधर है, क्योंकि आपको दिशा पता चल जाएगा उसमें, क्योंकि दिशा को बता रहे हैं यहाँ पे विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल बल होगा, परिणामी बल निकाले हम, ये सभी के योग के बराबर होगा। अब मैं मान करता हूँ कि F1 और F2 हैं दोनों बल, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या है प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो ये खत्म हो जाएंगे, और ये बल जो आपका परिणाम में होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में अभी कोई द्विध्रुव को लेके आते हैं, तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य होता है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। अगर हम एक द्विध्रुव आघूर्ण को समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज उसमें एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज है ये भी उस पर रिएक्शन करेगा, बाकी यह एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाएं, बाकी उसे ही समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे समझ सकते हैं, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम विद्युत द्विध्रुव को स्थापित करते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। यह आपसे इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा कि एफ इजिकल टू जीरो होगा, एफ इजिकल टू लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो नहीं बोलेंगे, एक से बना सकते हैं या जीरो से लेस देन भी हो सकता है, माइनस में वैल्यू आपकी हो सकती है, ठीक है। या इस प्रकार से आपको ऑप्शन में कुछ भी बना सकता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और परिणामी बल ऐसे पूछा जा सकता है कि परिणामी बल क्या होता है, सभी बलों के योग के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो उस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि एक विद्युत द्विध्रुव को हम सिर्फ वहाँ पे लाके रख रहे थे, तो उससे इस पे विद्युत क्षेत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब हम क्या करते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया, उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसे रोटेट करवाते हैं, यहाँ से इस पोजीशन को इस प्रकार से कर देते हैं, इस प्रकार से आपने घुमाया और इस स्थिति में आप यहाँ पे ले आए, तो कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि बिना कार्य के तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है। तो क्या कार्य होगा, मान लेते हैं कि पहले ये थीटा एंगल पे था, और अब जो एंगल बन रहा है वो आपका कितना बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा जीरो बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो डी थीटा होगा, थीटा जीरो माइनस थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, और जो परिणामी बल लगेगा वो आपको पहले तो क्या लग रहा था, क्यू ई लगेगा इधर, और इधर माइनस क्यू ई लगेगा, और उसके बाद में जो यहाँ पे दूसरी स्थिति में क्या लगेगा कि जो आपका बल है वो क्या हो जाएगा, क्यू ई, और इधर हो जाएगा माइनस क्यू ई, तो ये आपका बल हो गया। उसके बाद आपको पता ही होगा कि कार्य क्या होता है, तो चित्रानुसार जो द्विध्रुव है इसको स्थायी संतुलन के लिए हमें थीटा से थीटा जीरो तक घुमाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। देखिए कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो टो हम बल से डिनोट कर रहे हैं, और डी थीटा इसके क्या होगा, इतना विस्थापित हो रहा है, क्योंकि थीटा कितना होगा, जीरो, थीटा जीरो से थीटा तक, ठीक है। तो टो की वैल्यू होती है आपके पास में पी ई साइन थीटा, ये आपका बल का मान है, इसमें कितना बल वो अनुभव करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पी ई साइन थीटा। उसके बाद में जो डी डब्ल्यू है इसको हम इस पे डिनोट कर सकते हैं, टू की वैल्यू रख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं कि डब्ल्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमने विस्थापित जीरो से क्या किया है, थीटा जीरो तक किया है, तो यहाँ पे इसे इसको रोटेट करेंगे और ये आपकी लिमिट लगा देंगे इसमें, और इसको जैसे डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, और ये पी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर ले लेंगे। उसके बाद साइन थीटा इसका करेंगे तो ये माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाएंगे जीरो से थीटा जीरो तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस पी ई कोस थीटा जीरो माइनस कोस जीरो, तो कोस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास में 1,
और ये हो जाएगा आपके पास में माइनस पी ई कोश थीटा 0 माइनस 1, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई 1 माइनस कोश थीटा 0। तो ये आपके कार्य का मान हो गया। अब इसमें अलग अलग कंडीशन आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जो थीटा 0 है वो 0 हो जाए, तो थीटा 0 अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे ये कोश 0 क्या हो जाएगा, 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो डब्ल्यू है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा और इस स्थिति में मिनिमम कार्य होगा। और जब थीटा अगर 90 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा डब्ल्यू, और इस स्थिति में मैक्सिमम कार्य नहीं होगा, क्योंकि जब आप थीटा 180 रख देते हैं तो इसका थीटा का कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, -1, और -1 और +1 कितना हो जाएगा, या माइनस पहले से एक -1 लगा देंगे तो प्लस होना जाएगा, तो 2 PE आपके पास मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आपकी कार्य। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम द्विध्रुव को रोटेट करते हैं तो किस स्थिति में मैक्सिमम कार्य करना पड़ता है, तो जब उसे हम 180 रोटेट करते हैं तब सबसे ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, और किस स्थिति में सबसे कम कार्य करना पड़ेगा, ये हम 0 डिग्री में होता है। आप अपने बेसिस पे भी सोच सकते हैं कि 0 डिग्री रोटेट करना कितना आसान है। जैसे यहाँ पे है तो इसको रोटेट किया ही नहीं, एक तरह से आप मान सकते हैं 0 डिग्री पे ही है, ठीक है, जितना है वैसे के वैसे छोड़ दिया। अगर हम इसे 90 पे रोटेट कर रहे हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, पी ई हो जाएगा। 90 पे मान लीजिए कि इसका इसका 90 यहाँ पे बन गया, ठीक है, तो पी ई यहाँ पे हो गया, 90 बन गया मान लीजिए, तो पी ई कार्य करना पड़ेगा, और इसे 180 करना पड़ेगा, यानी कि पहले यहाँ था अब इसको फिर वहाँ से ऐसे डिनोट करना पड़ेगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा एकदम ऐसे, तो ये हो जाएगा 180 जब आप कर दोगे, तो इस स्थिति में आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा कार्य, और वो हो जाएगा 2 PE। एक तरह से जिनकी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कार्य भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन 180 के बाद में नहीं बढ़ेगा, फिर ये घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 पे जो होता है कोस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस को प्लस करके ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम ये स्थिति में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक शुष्क बालों में फेरी गई कंघी, आवेशित कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है, क्यों करती है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपको देखा होगा कि जब आप एक कंघी है आपकी, आप जब बालों में कंघी करते हो और उसके बाद में छोटे जो कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, मान लीजिए कभी प्रैक्टिकल करके भी देख लेना अगर आपने नहीं किया तो आप क्या करेंगे, उससे आप उसके पास लेके जाएंगे आपकी कंघी को, तो ये क्या करेंगे, छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित होंगे और ये इसके चिपकने लग जाएंगे, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए वैसे तो आपसे मतलब हो सकता है कि वो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए, समझ में आ गया तो फिर आप उस ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। देखिए कागज़ क्या है, एक पैरावैद्युतांक गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो ये आपका पैरावैद्युतांक मतलब पैरासिंपथेटिक गुण उसका क्या होता है कागज़ में होता है, तो जिसके फलस्वरूप आवेश क्या होता है कि कंघी कागज़ के टुकड़ों को ध्रुवित कर देती है। ध्रुवित का मतलब क्या होता है कि एक आवेश पॉजिटिव हो जाता है एक नेगेटिव हो जाता है। इसको ध्रुव हमने अभी समझा था कि दोनों आवेश हों समान लेकिन विपरीत प्रकृति के, एक समान दूरी पे थोड़ी सी दूरी पे रखे हों, तो वो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव बनता है, यही आपके ध्रुवण से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या होगा कि कागज़ जब फलस्वरूप क्या होता है कि आवेशित कंघी कागज़ के टुकड़ों को ध्रुवित कर देती है, तो जिसके कारण क्या होता है कागज़ के टुकड़े जो हैं टुकड़ी में क्षेत्र की दिशा में क्या होते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की ओर प्रेरित हो जाता है। यानी कि जैसे ये देखिए कंघी है आपके पास में, जब आप इसे बालों में कर सकते हैं तो घर्षण के कारण इस पर कुछ आवेश आ जाता है, जैसे पॉजिटिव आवेश आ गया नेगेटिव आवेश आ गया कुछ भी आवेश आ जाता है, ठीक है। और जो कागज़ है वह क्या है पैरावैद्युतांक है, तो ये भी गुण प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो आवेशित कंघी है ये पैरावैद्युतांक के गुण के कारण कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं किसकी ओर आकर्षित होते हैं, कंघी की ओर, क्योंकि कंघी क्या है आवेशित है, और आवेशित है तो एक दूसरे को क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी। सबसे पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या करते हैं कि जैसे एक आवेशित वस्तु है एक न्यूट्रल वस्तु के पास में ला के रखते हैं तो प्रेरण के कारण क्या होता है कि इसमें आवेश चला जाता है, ठीक है, तो ये आवेशित हो जाती है। इसके बारे में अगर आप, मैंने ये भी बताया था कि अगर विपरीत प्रकृति का आवेश है कि दूसरे को आकर्षित करेगा, तो जैसे ही इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश मिलता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं और ये इस पर चिपकने लग जाती है, ठीक है, तो यही कारण होता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किसके कारण चिपकती है, तो कागज़ का पैरावैद्युतांक गुण के कारण वो उसे अट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ये आपको समझ लेना है और ये याद रख लेना है, और बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे, आज इतना ही कर लेते हैं, कल हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स तथा गाउस का नियम क्या होता है, ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही कर लीजिए, बाकी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, और आप कंटिन्यू ऐसे देखते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है आपको बिल्कुल भी, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों के लिए मैं और बेहतर कर पाऊँगा। और जो लोग नए हैं यार वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ लोगों की समस्या थी कि सर हमें पता ही नहीं चलता आपका वीडियो कब आ जाता है, तो आप नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें आप बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।